यार शाहनवाज, मैं तुझे इतना फैसिलिटेट कर रहा हूँ, तू मेरा इतना पुराना दोस्त है, मैं चाहता हूँ तू सेट हो जाए, लेकिन मेरे इतने समझाने के बावजूद तुझे मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आ रही। यार ओए अब क्या हो गया? कोचिंग सेंटर से स्टूडेंट्स जाना शुरू हो गए, तुझे किसी बात का एहसास ही नहीं है, और हमने वो जो जगह ली थी पार्टनरशिप में, उससे भी कोई खास आमदनी नहीं हो रही, हिसाब में तो तू इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। और वो गाड़ी, जब तेरा दिल करता है निकल जाता है। और तू रख अपनी गाड़ी अपने पास, मुझे तेरी गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो हालात बुरे चल रहे हैं, वरना इससे कई अच्छी गाड़ियां देखी है मैंने। शानवाज ऐसी बात नहीं है यार, समझना, जब कमाई आ रही होती है तो हर चीज अच्छी लगती है, तुझे पता है हिसाब में से 30,000 रुपए कम है। हाँ दे दूंगा, 30,000 पूरे कर दूंगा। वो उसको फोन दिला के दिया है ना, तूने 30,000 रुपए का मोबाइल दिला दिया उसे और उसने ले भी लिया। तो तू तो ऐसे कह रहे जैसे मैंने कहीं 30,000 रुपए उड़ा दिए। इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसे, इन्वेस्टमेंट। मैं भाड़ में गई ऐसी इन्वेस्टमेंट यार, उस लड़की की जो तरबियत की गई है ना, वो कभी भी उन असूलों से बगावत नहीं करेगी। बात तो तू सही कर रहा, लेकिन इफी ये जो जंग है ना, ये कहीं बाहर से शुरू नहीं हो रही, ये उसके अंदर से शुरू हो रही। और मुझे लगता है, और लगता क्या, मुझे पूरा यकीन है कि ये जंग उसके अंदर कब की शुरू हो चुकी। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि जीत किसकी हो, खून के रिश्तों की या फिर दिल के रिश्तों। और इन मामलात में तो जीत हमेशा, समझा? कैसी बातें कर रहा है, क्या बोले जा रहा है।